हाउ टू बुक केदारनाथ टू बद्रीनाथ बस। अगर आप केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ की बस बुक करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह बहुत ही आराम से बद्रीनाथ की बस बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफ़ी लोग हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो भी बस के माध्यम से, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि जब वो केदारनाथ धाम जाएं और वहां से वापसी लौटे तो वो बस किस तरह बुक करेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। वैसे इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, देखिए इसे मैंने पूरा आपको बता रखा है कि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा किस तरह कर सकते हैं, वो भी बस के माध्यम से। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जब आप केदारनाथ धाम जाते हैं तो केदारनाथ धाम जाने के लिए आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाते हैं। जो बस चलती है हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए, वो चलती है सोनप्रयाग तक के लिए। तो सोनप्रयाग जाने के बाद फिर आप केदारनाथ से जब वापसी आएंगे तो आपको सोनप्रयाग ही आना होगा, और सोनप्रयाग पे ही आपको इनका ऑफिस मिल जाएगा जहाँ से आप बस बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन बस बुकिंग क्यों करनी चाहिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ बच सके और आप सही टाइम पे केदारनाथ धाम पहुँच सको। तो पहले देखिए, मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ जो कि सोनप्रयाग में है। ये देखिए, ये सोनप्रयाग है। जब आप आते हैं गाड़ी से तो यहीं से आप आते हैं और यहाँ से आगे फिर आपका गोरेकुंड स्टार्ट होता है। और सोनप्रयाग में ये देखिए प्रीपेड काउंटर बना हुआ है जहाँ से यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है, सारे काम यहीं से होते हैं। जस्ट इसके सामने आपको देखिए ये इनका ऑफिस दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बुकिंग ऑफिस है सोनप्रयाग का। जब मैं लास्ट टाइम बस से गया था तो यहीं पे देखिए इनका ऑफिस हुआ, मैंने यहीं से बस बुक की थी। और देखिए यहाँ इन्होंने बस का टाइम भी दे रखा कि जो बद्रीनाथ की बस है सुबह 5 बजे यहाँ से चलती है, मतलब जितनी भी बसें हैं सारी की सारी बसें 5 बजे यहाँ से चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता है वो लगभग 12 घंटे यहाँ लग जाते हैं। तो आप जैसे ही केदारनाथ से नीचे उतरें और सोनप्रयाग आएँ तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ बस बुक करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ टाइम से अपनी बस बुक नहीं की तो यकीन मानिए आपको यहाँ से बस का टिकट कम से कम 2 या 3 दिन के बाद का मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है बद्रीनाथ जाने वालों की, और लिमिटेड बसें होती हैं, 2 या 3 बसें होती हैं जिसके माध्यम से आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बस बुक करते हैं तो फिर आपको यहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। जब लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने यहीं पर खड़े होकर लगभग 1 घंटा मैं लाइन में लगा था, तब जाके मैंने हरिद्वार की बस बुक की थी। उस समय मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने ऑनलाइन बस क्यों नहीं बुक करी हरिद्वार की, क्यों मैं यहाँ लाइन में लगाऊँ। हालाँकि यहाँ टिकट थोड़ा सस्ता मिलता है, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन ऑनलाइन से बस बुक करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कन्फर्म सीट मिल जाती है, आपकी पसंद की सीट मिल जाती है, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं होता। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ कि आप ऑनलाइन किस तरह अपनी बस बुक कर सकते हैं, वो भी बद्रीनाथ धाम के लिए। ये मैंने देखिए वो वेबसाइट खोली जिसके माध्यम से आप बस बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सोनप्रयाग लिखता हूँ, क्योंकि जो हम बस बुक करने वाले हैं वो सोनप्रयाग से ही बुक करने वाले हैं, और यहाँ मैं लिखूँगा बद्रीनाथ। ये देखिए बद्रीनाथ की बस है, और डेट फ़िलहाल यहाँ मैं 17 तारीख लिख देता हूँ, सितंबर है। इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने में देखिए जो एक बस है जो सुबह वहाँ से चलती है 5:30 बजे, मैंने आपको बताया कि वहाँ से बहुत कम बसें बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। अगर आप वहाँ केदारनाथ से उतर के सोनप्रयाग जाके बुकिंग करेंगे तो आपको 2 या 3 दिन के बाद का वहाँ टिकट मिलेगा, तो इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करिए अपनी। यहाँ मैं व्यू सीट पर क्लिक करता हूँ, देखिए पीछे की सीट यहाँ अभी अवेलेबल है, और बद्रीनाथ जाने वाले बहुत लोग होते हैं वहाँ। अब जब गिनती की बसें होती है तो फिर वो प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेमेंट उनको वहाँ करना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से कोई और डेट यहाँ से देख लेते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं इसको। मैं यहाँ से अक्टूबर की डेट देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अक्टूबर में अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अक्टूबर में देखिए एक ही बस है जो कि 5:30 बजे चलती है, और लगभग 5 बजे आपको उतार देगी, और इसका किराया 1000 रुपये है। मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, देखिए अक्टूबर की बस यहाँ फुल हो रखी है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप केदारनाथ यात्रा करने के बाद बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ये मैं आपको अक्टूबर दिखा रहा हूँ, अब मैं अपनी डेट दिखाता हूँ। मैं 15 को यहाँ से निकलूँगा, 16 को चढ़ाई शुरू करूँगा, 17 में वहीं रहूँगा, 18 में मैं वापसी आऊँगा। तो मैं 18 की डेट सर्च करता हूँ, मान लिया अगर मेरा मूड हुआ बद्रीनाथ जाने का तो क्या मैं वहाँ अपनी सीट बुक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ मैंने 18 अक्टूबर सर्च किया है,
और इसको सर्च कराऊँ तो एक ही मुझे दिखा रहा है बस। ठीक है, यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये बस पूरी खाली पड़ी है, इस समय फ़िलहाल यहाँ कोई भी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी फुल हो जाएगा। तो अगर आप तो धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आप सोन प्रयाग से जो बद्रीनाथ की बस है वो ऑनलाइन बुक करिए। टिकट भले ही महंगा है लेकिन आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। सपोज करिए वहाँ आपको टिकट नहीं मिला और आपको वहाँ 2 दिन वेट करना पड़ा, तो तब भी आपको वहाँ होटल में किराया दे के रहना पड़ेगा, तब भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ जाएगा और साथ ही साथ आपके एक्स्ट्रा दिन भी वहाँ लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी जो बुकिंग है ऑनलाइन करिए, क्योंकि अब पहले वाला टाइम नहीं है कि हम गए और हमको वहाँ तुरंत सीट मिल जाती है। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब चारों धाम में रहने लगी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को पता चल गया होगा कि वो बद्रीनाथ की बस किस तरह बुक कर सकते हैं केदारनाथ से वापसी आने के बाद। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी या चार धाम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपको किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।